हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि गाइस आप काइन मास्टर ऐप के अंदर गाइस वीडियो को एक्सपोर्ट करते हो तो गाइस वहाँ पे आपको 60 FPS का ऑप्शन देखने को नहीं मिलता। और गाइस यहाँ पे प्रूफ देख सकते हो, मैंने 60 FPS यहाँ पे अनलॉक किया हुआ है। तो दोस्तों, आप काइन मास्टर ऐप के अंदर का ये जो FPS है 60 FPS को कैसे अनलॉक कर सकते हो, और गाइस आप नॉर्मल जब अपने वीडियो को एक्सपोर्ट करते हो तो गाइस वहाँ पे आपको 30 FPS से देखने को मिलता है, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो। तो दोस्तों, इस तरह की प्रॉब्लम को आप कैसे फिक्स कर सकते हैं और गाइस आप 60 FPS कैसे अनलॉक कर सकते हैं, तो दोस्तों इस वीडियो को आप फुल्ली देख लेते हो तो गाइस आप यहाँ पे 60 FPS को अनलॉक कर पाओगे। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो को जल्दी से शुरू करते हैं। उससे पहले आप चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर लेना, और साथ ही आप कॉमेंट सेक्शन में बताना कि गाइस ये ट्रिक वर्क करती है कि नहीं। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको काइन मास्टर ऐप के अंदर के आ जाना है। और गाइस 60 FPS की बात करें तो गाइस अगर आपके मोबाइल फोन के कैमरे में 60 FPS यहाँ पे रिकॉर्ड होता है तो गाइस आप काइन मास्टर से मतलब 60 FPS का वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं और उसको सेव कर सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हो मेरे मोबाइल फोन से यहाँ पे 4K 60 FPS की वीडियो रिकॉर्ड होती है, तो इसलिए मैं यहाँ पे 60 FPS की वीडियो को काइन मास्टर से एक्सपोर्ट कर सकता हूँ। बस उसमें कुछ सेटिंग्स करनी होती है जो कि मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, सबसे पहले आ जाता हूँ यहाँ पे काइन मास्टर के अंदर। गाइस यहाँ पे देख सकते हो 4K 30 FPS दिखा रहा है। तो गाइस 60 FPS आपको अनलॉक करने के लिए क्या करना होगा, सबसे पहले आपको यहाँ से बैग आ जाना होगा। और गाइस यहाँ से बैग आ जाने के बाद गाइस ऊपर आपको एक सेटिंग आइकन देखने को मिलेगा, तो सिंपली वहाँ पे प्रेस करना है। देन आपको यहाँ पे डिवाइस परफॉर्मेंस इन्फॉर्मेशन देखने को मिलेगा, तो आप जैसे इसमें क्लिक करेंगे तो गाइस आपको यहाँ पे कुछ इस टाइप के इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। आपको अपने डिवाइस का नेम और उसकी जो एंड्रॉयड वर्जन है वो भी आपको देखने को मिल जाएगा। और गाइस आप यहाँ से कितनी FPS की रिकॉर्ड यहाँ पे कर सकते हो और एक्सपोर्ट कर सकते हो वीडियो, वो भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो गाइस देख सकते हो मैं यहाँ से 4K वीडियो को यहाँ पे एक्सपोर्ट कर सकता हूँ, तो वहाँ पे मुझे दिखा दिया मतलब 4K दिखा दिया। तो गाइस आपको क्या करना है कि गाइस आपको 60 FPS अनलॉक कर लेंगे, यहाँ पे सेटिंग्स में जाना फिर से, और गाइस आपको एक बार एनालिसिस कर लेना है आपको डिवाइस इन्फॉर्मेशन से। उसके बाद गाइस आपको एडवांस सेटिंग ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, सेकंड ऑप्शन, तो सिंपली आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। और गाइस आपको थर्ड ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, सेव वीडियो विद अप टू 60 FPS, तो गाइस सिंपली इसको ऑन कर देना है। इसको ऑन करने के बाद गाइस देखते हैं कि गाइस कुछ चेंजेस देखने को मिलते हैं कि नहीं। तो यहाँ से सिंपली बैग हो जाता हूँ और इस वीडियो को सिंपली सेलेक्ट कर लेता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद गाइस मैं यहाँ पे एक्सपोर्ट के ऑप्शन पर सिंपली क्लिक कर देता हूँ, और यहाँ पे क्लिक कर देने के बाद गाइस देखता हूँ कि मुझे यहाँ पे 60 FPS का ऑप्शन देखने को मिल चुका है। तो दोस्तों, इस तरह से आप 60 FPS का ऑप्शन है वो इनेबल कर सकते हैं काइन मास्टर के अंदर। और गाइस यहाँ पे देख सकते हो 4K 60 FPS में अपने वीडियो को रिकॉर्ड कर सकता हूँ और सेव कर सकता हूँ। तो दोस्तों, इस तरह से आप यहाँ पे 60 FPS को अनलॉक कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये ट्रिक आपके मोबाइल फ़ोन में भी वर्क करती है, तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बता के जाना और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। साथ ही बेल आइकन कॉल पर प्रेस कर लेना कि गाइस आने वाले लेटेस्ट हेल्पफुल वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो दोस्तों, मैं मिलता आपको अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत एंड वंदे मातरम।